मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र 6 के बीएसपी प्रत्याशी इरफान सैफी ने अपने कार्यालय पर फैजगंज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें दलित और मुस्लिम वोटों को जोड़ने की अपील की। आज मैं क्षेत्र में रहा, सभी मैंने कई गाँव कार्ड विधानसभा क्षेत्र में, कार्ड विधानसभा क्षेत्र में काफी वक्त लग गया, तो इस वजह से देर से आए। रही बात जो फॉर्मेलिटीज थी हुआ की, वो हम करेंगे, हुआ करेंगे। क्या पैगाम देना चाहेंगे मुरादाबाद के आवाम को, क्या आपका जो उद्देश्य रहेगा चुनाव लड़ने का? हम मुरादाबाद के आवाम को, मुरादाबाद के आवाम को ये पैगाम देना चाहेंगे कि इस बार बहुत सोच समझ के वोट देना है। ये बाहरी प्रत्याशी जो आए हैं, हर बार जनता त्रस्त रहती है, जब ये बाहर के प्रत्याशी आते हैं तो ये बड़े बड़े वायदे लेके आते हैं, और जब ये यहाँ से जीत के जाते हैं तो फिर ये यहाँ दिखाई नहीं देते। किससे मुकाबला मांग रहे हैं उन्होंने, किससे मुकाबला मांग रहे हैं? मुकाबला जी देखिए, मुकाबले की पोजीशन तो ये है कि अगर आप बिल्कुल लगाएं अगर हिसाब किताब, तो यहाँ 20,50,000 वोट है तकरीबन, 20,50,000 वोट में 3.5 लाख की जो हिस्सेदारी है वो दलित समाज के लोगों की, और तकरीबन 8 से 8.5 लाख वोट यहाँ मुस्लिम समाज के वोट। तो अगर देखें आप कि इस वक्त जो वोट बैंक है, हमने पिछले 2014 में भी देखा यहाँ पे, और 2019 में भी देखा कि बीजेपी का वोट बैंक 40% का शेयर यहाँ पे रहा है, रेस्ट ऑफ द 60% जो शेयर है वो तो बीजेपी के अगेंस्ट में जाता है। तो हम लोग बीजेपी के अगेंस्ट वाले कैंडिडेट खड़े हैं इस बार, जाहिर सी बात है 60% की हिस्सेदारी में फाइट में तो कोई है नहीं, इस तरह के समर्थन मिल रहा है मुरादाबाद की जनता का, बहुत प्यार और मोहब्बत भरा इस वक्त संदेश हमने जो दिया था कि प्यार से और मोहब्बत से मैं मुरादाबाद की आवाम को जी लगूँगा, तो आज वही प्यार उमड़ के यहाँ पर आ रहा है, जनता बहुत प्यार कर रही है, और आने वाली 19 तारीख में हाथी को ही जिता के यहाँ से। बहुजन समाज का एक कैडर है, एक टीम है बहुजन समाज की, तो वो कार्यकर्ता आपके साथ हैं पूरे? बहुजन समाज पार्टी में जो आज देखें आप कि हमारे बीच हमारे जिलाध्यक्ष, सभी सारे पदाधिकारी और हमारे नगर के और देहात के जो विधायक प्रत्याशी है रहे हैं, जिन्होंने यहाँ से विधानसभा फाइट करी, तो पूरा का पूरा संगठन इस वक्त एकजुट होकर बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसके लिए मेहनत से काम कर रहा है। तो इस वक्त हमारे अंदर कोई गुटबाजी नहीं, हमारे अंदर कोई ऐसी भावना नहीं है कि प्रत्याशी को सपोर्ट ना करा जाए, तो इस वक्त हमें पूरा समर्थन मिल रहा है, हमारी पार्टी का पूरा समर्थन। पूर्व मुख्यमंत्री कुमारी मायावती जी मुरादाबाद आने की संभावना है, क्या कहना चाहेंगे? 15 तारीख में उनकी सभा का आयोजन किया जा रहा है, रामलीला मैदान में उनकी सभा लगभग तय मानी जा रही है, तो 15 तारीख को वो सरजमीय मुरादाबाद पर पहुँचेंगे और जनसैलाब आएगा, और उस जनसैलाब में बहुजन समाज पार्टी का परचम। मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र 6